आ जाइए आ जाइए, शामिल हो जाइए। चलिए मेरी आवाज क्लियर है सर? नमस्कार नमस्कार। 545, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सारे लोग आ जाइए। 160 का प्रॉफिट चल रहा है इधर। और कहाँ गए? हाँ चलिए आ जाइए, शामिल हो जाइए। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग 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 सर। बढ़िया। 150, 200 क्वांटिटी सेल क्या है भारतीय एयरटेल को 545 के नीचे में, 545 के नीचे सेल करने का है। यहीं से ये बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। टाटा स्टील को सेल किया है। ओके, टाटा स्टील को आपने सेल कर दिया है। नमस्कार नमस्कार। टाटा स्टील तो ठीक है सर। टाटा स्टील को सेल किया है। क्या है, कौन आ गए? गजेंद्र जी आ गए। चल ठीक है सर, टाटा स्टील को सेल किया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छे जगह पे है। टाटा स्टील अगर 470 नीचे अगर ब्रेक कर दे तो और नीचे की साइड में आ जाएगा। एक मिनट सर। चल ऐसा क्यों? गोदरेज सीपी को सेल किया है। ओके, गोदरेज सीपी गोदरेज सीपी गोदरेज सीपी को सेल कर दिया है 647 पर। ठीक है। टाटा स्टील जो आपने दिया है, टाटा स्टील, टाटा स्टील थोड़ा ठीक लग रहा है ना? टाटा स्टील को 473 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करूंगा। चलिए मैंने टाटा स्टील को सेल किया यहां पे। काफी नीचे के लेवल पे है टाटा स्टील, तो नीचे एक हमें लगता है 463 तक, या पहला टारगेट 465 तक भी आ सकता है। ये थोड़ा यहाँ सस्टेन कर सकता है। सुबेदार जी आ गए। हैवल्स ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल कर सकते हैं। हैवल्स 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 अभी 628 पर सेल करना है हैवल्स ना? हाँ ठीक है, हैवल्स का लेवल तो एक्टिवेट है। हैवल्स का लेवल तो एक्टिवेट है सर। जील को सेल साइड में रख सकते हैं। जील फिलहाल तो सेल साइड दिख रहा है। हैवल्स भी कमजोर है, हैवल्स भी सेल साइड का ही लेवल है। जील थोड़ा कमजोर लग रहा है, जील का चार्ट। और देखिए टाटा स्टील क्या बात है, यहां से बाउंस ले लिया अचानक। गोदरेज सीपी कैन भी शॉर्ट, हाँ हाँ शॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। साउंड आ रही है ना? पता नहीं, मुझे नहीं जा रही थी। हाँ क्या कह रहे थे सर, क्या बता रहा है अब, क्या पूछ रहे थे आप? यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ना, आईसीआईसीआई बैंक गोदरेज कंज्यूमर ध्यान पे रखिएगा। अब अगर वो नीचे की साइड में अगर आता है तो सेल किया जा सकता है वहां। सिस्टम में दिखा रहा है कुछ साउंड को इरर। विप्रो कैन बी शॉर्ट बिलो 244। विप्रो आईटी सेक्टर बीपीएल तो भी ठीक चल रहा है सर, 543। यूपीएल तो ठीक चल रहा है, हाँ 43 के नीचे शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं यूपीएल में, बिल्कुल सही है। अच्छा भारतीय एयरटेल में भी एक पोजीशन है हम लोगों का ना, मैं इंक्रीज करूंगा इसमें। 150 क्वांटिटी भारतीय में, 548 546 55 के स्टॉप लॉस, इसको और मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया इसमें।
434 का प्रॉफिट हो गया भारतीय एयरटेल में, 416 हो गया, 350 क्वांटिटी हो गया। चलिए वेट करते हैं और ये ठीक ठाक आ रहा है। भारतीय एयरटेल 545 के नीचे सेल भी तो मैंने दिया हुआ है ना, टेली 500, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर करता हूँ फिलहाल, फिर नीचे ले आऊंगा। चलिए यहाँ पे भी मैंने स्टॉप लॉस रखा है, वेट करते हैं। कर दिया तो अच्छा, कर दिया, कोलपाल सेल किया है, ओके, कोलपाल को आपने सेल कर दिया है, कोलपाल को आपने सेल किया है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, कोलपाल को सेल किया तो कोई बात नहीं, 1380 कोलपाल का प्राइस, 1380, हाँ ठीक है, 1300 क्लोजिंग, 1380 के कोलपाल, कोलपाल को आपने सेल किया है, ठीक लेवल पे सेल किया है, कोई बात नहीं है। 329 का इधर भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट चल रहा है मुझे कोलपाल, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक करिए। कितना पे सेल किया है, 1384.85 पर, अगर 87 पे भी किया तो अच्छा प्रॉफिट में है आप। है ना, बढ़िया बढ़िया। भारतीय एयरटेल में कितने का प्रॉफिट है, 241 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। संजीव जी आ गए, 311 चल रहा है भारतीय एयरटेल में। इंडसइंड को सेल किया है, हाँ सेल करिए, इंडसइंड बैंक सेल के लेवल पे है। बिल्कुल ठीक है, अगर इंडसइंड बैंक एक बार और ब्रेक करे तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, 1320 21। इंडसइंड बैंक कोई एक मिनट, चल जस्ट डाल 532 पे सेल किया है सुदीप जी ने, जस्ट डाल, ओके सर, जस्ट डाल को भी चेक कर लेते हैं हम लोग अभी। हीरो मोटो को सेल किया 2463 पे, विकास कौन है, सूरज जी, सूरज मुझे लगा विकास जी है, तो कोई बात नहीं, हीरो मोटो, हीरो मोटो को आपने सेल कर दिया, एक मिनट, 2463 पर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट में आप हैं, हीरो मोटो 2463 पे है ना सेल किया हुआ है, थोड़ा सा कष्ट में आ सकते हैं आप सूरज जी, थोड़ा संभल के। किशोर जी आ गए, 84 का प्रॉफिट, जस्ट डायल 534 पर आपने सेल किया ना, 533 पे, 32 पर, अच्छा 532 पे सेल किया, आह हा हा हा, थोड़ा देखिए सर स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिए, 536 ब्रेक कर देगा ऊपर में ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे नजर बना के रखिए। मेरा गोदरेज कहाँ गया, 22 का प्रॉफिट है, 78 का लॉस, भारतीय एयरटेल कहाँ गया, 66 का प्रॉफिट है, इसका मतलब साइडवेज है मार्केट, 23 पॉइंट में चल रहा है मार्केट, थोड़ा देखिए क्या कर रहा है मार्केट। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक हीरो मोटो में, छोड़ दीजिए नहीं हुआ विकास जी, अच्छा आपको तो पता है विकास जी को तो मैं हीरो मोटो में बोलूंगा ही नहीं, उनको तो हीरो मोटो का अच्छा आइडिया है, वो हीरो मोटो में ही करते हैं तो उनको तो आइडिया ही है। निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, 12100 का इम्पोर्टेंट लेवल है, 100 का टेस्ट कर लिया है ना अपना, उस प्राइस को टेस्ट कर चुका है, अब यहां से एक बाउंस देख सकते हैं, अचानक से एक बाउंस आता हुआ आपको दिखेगा, देखिए LIC बाउंस ले रहा है, ICICI बैंक 536 के पहले सेल नहीं करना है, UPL में अगर सेल नहीं कर दिया है तो छोड़ दीजिए, UPL को सेल मत करिएगा, अभी मैंने INR का ट्रेड लिया नहीं है, अभी INR का मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, और Havells
628 के नीचे सेल है और 635 पे चल रहा है, और यहाँ घुमा है 626 से 629 पे चल रहा है। ओके, भारतीय एयरटेल मूव करने की कोशिश कर रहा है अपसाइड में। मॉर्निंग मॉर्निंग नवीन जी, 248 का लॉस दिखा रहा है। इसमें मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, 350 कर दिया, तो बस काफी है। 350 क्वांटिटी है, मेरा जो भी लॉस होगा इसी में होगा, बंद हो जाएगा सिस्टम, है ना, ट्रेड बंद हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं। और अगर ये 12,100 को ब्रेक करेगा तभी नीचे आएगा। 12,000 भाई 80 के पास जो कल वाला लेवल था उसको लेवल को टेस्ट कर सकता है, फिलहाल वेट करते हैं। 1320 के नीचे इंडसइंड होगा सेल, तभी 1326 का स्टॉप लॉस होगा। पहले कर दिया है तो स्टॉप लॉस फिर 1336 लगेगा, पहले ऊपर के लेवल पे कर दिया तो ऊपर का स्टॉप लॉस 1336, नीचे सेफ जगह पे है हमारे लिए 1320 के नीचे सेल करने का है। टाटा मोटर्स को बाय किया, ओके, टाटा मोटर्स मानस जी ने, टाटा मोटर्स मार्केट एक रेंज पर है, रुक जाइए, ऊपर नीचे कर रहा है। टाटा मोटर्स को बाय किया है, ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, 178 तक का बहुत हो गया, 177-50 तक का टारगेट मिल सकता है टाटा मोटर्स में। फिलहाल साइड वेज थोड़ा रुक जाइए, क्यों इससे परेशान हो रहे हैं अभी। इंडिगो सेल साइड जील 242 के ऊपर बाय साइड के लिए है, और इंडिगो का जो सेल लेवल आप कह रहे हैं सेल साइड, मुन्ना जी कह रहे हैं इंडिगो, इंडिगो एक्चुअली ना खबर बेस्ड, हाँ सही है, सेल साइड का लेवल है इसका। और एक चीज था अभी पूछ, क्या बोल रहा था, क्या देख रहा था मैं भूल गया, बोलते बोलते कुछ तो बोल रहा था, कुछ तो पूछ रहा था। हाँ, डॉक्टर रेड्डी एक स्टॉक्स है, उसको देखना है मुझे, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी 3180, 3180, अरे 3176, थोड़ा डॉक्टर रेड्डी 3180 क्लोज करे ऊपर में तो पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। यूपीएल 547 के ऊपर बाय किया, जुबिलियन फूड को सेल किया। ओके, विकास जी को तो बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो जुबिलियन फूड देखा है तो सही देखा होगा। 1382 प्रॉफिट, जिन लोगों ने बुक नहीं किया कोलपाल में बुक कर सकते हैं आप लोगों ने, कोलपाल को ऐसे यूपीएल को 547, मैंने कहाँ रखा है यूपीएल, अभी मैंने फिर हट गया यहाँ, ठीक है यूपीएल, ठीक है सर यूपीएल तो मेरा टारगेट आ गया ना, पोजिशनल टारगेट जो मैंने दिए हुए थे, है ना, पोजिशनल टारगेट जो मैंने दिए हुए थे वो तो आ गए। याद है यूपीएल कब मैंने दिया था पोजिशनल टारगेट, 4 तारीख को दिया था क्या, 4 या 5 को दिया था। सेकेंड टारगेट था 557 का ना, चलिए वेट करते हैं। आज थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, रिकॉर्डिंग में मुझे कुछ साउंड दिखा रहा है इरर, पता नहीं क्यों, क्या चल रहा है एयरटेल में, 161 का लॉस दिखा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ साउंड इरर हो सकता है। एयरटेल अगर गिर गया ना एक बार, अगर एयरटेल 1, 2, 3 एक बार एयरटेल 543 अगर ब्रेक कर गया ना तो बहुत तगड़ा लेवल दिखाएगा ये नीचे, 537-38 तक का, 540 और 538 तक का लेवल दिखाएगा। अगर ये 543 एक बार अगर ब्रेक कर गया एयरटेल ना तो बहुत जबरदस्त दिखाएगा। एचडीएफसी बैंक गिरेगा क्या, कितने पर सेल, सूरज जी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक गिरेगा कि नहीं गिरेगा। सर अभी फोन करके पूछूं क्या एचडीएफसी बैंक वालों से, भाई अब गिरा, गिर गया लीजिए,
आपने बोला गिरी गया। आपने बोल दिया गिर गया। ये ऐसे क्यों करते हैं आप लोग, बोल बोल के गिराते हैं। गिर गया ना, अडानी पोर्ट को बाय किया 372.60 पे, ठीक है। उसके ऊपर निकले तो भी तेजी से लेके निकल जाना है, और क्योंकि मार्केट साइडवेज है 4 पॉइंट पे, तो रुक जाइए, अब ऑर्डर मत प्लेस करिए। देख रहे ना, ये आया फिर वो कवर कर रहा है, फिर ऐसे गिर सकता है ना ये। ऐसे समझिए, ये ऐसे आया ना, ये ऐसे आ रहा है नीचे, फिर ऐसे ये अब जा रहा है, फिर ऐसे गिर सकता है ना नीचे। अभी रुक जाइए, वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। इसका जिग जैग पैटर्न है, 1 2 फिर ये ऐसे आ सकता है। वेट करिए, वेट करिए, अभी कोई काम नहीं करना है यहाँ पर, कोई नया ऑर्डर कोई नहीं लगाएगा, कोई नया ऑर्डर नहीं लगाएगा कोई। गलती से भी नहीं लगाना है नया ऑर्डर अभी फिलहाल। फायर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या ना ना, ऐसा तो नहीं हुआ, अभी तो ठीक था। वेट कर लीजिए, अभी कोई माने बहादुरी दिखाने का जरूरत नहीं है, 2 मिनट वेट कर लीजिए, मार्केट को स्थिर हो जाने दीजिए एक जगह पे, 3 पॉइंट 4 पॉइंट में करके बहादुरी नहीं करना है हम लोगों को। हाँ, जील जील से निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लिया बढ़िया है, निकल जाइए जील से। और नया ऑर्डर मतलब कैस्ट्रोल कैन बी बाय अबव 150। सर थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, मार्केट थोड़ा जगह पे आ जाने दीजिए, एक एक ट्रेंड में आ जाने दीजिए। 150 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो टारगेट ज्यादा नहीं, 151 लेके निकलना पड़ेगा आपको, पहुंच गया टारगेट, अब छोड़ दीजिए। सिप्ला में 4 पॉइंट बुक कर लिया विकास जी ने, बहुत बढ़िया, एग्जिट कर लिया, निकल जाइए सिप्ला, बहुत बढ़िया, निकल जाइए, निकल जाइए। टाटा इलेक्सी में सेल बन सकता है, कोलपाल में 4 पॉइंट, अच्छा कोलपाल में, मैं सिप्ला बोल रहा हूँ, कोलपाल में 4 पॉइंट मिल गया ना, चलिए बढ़िया है, बुक कर लीजिए। टाटा इलेक्सी में सेल बन सकता है क्या, देखता हूँ सर। भारती एयरटेल आ रहा है कि नहीं, ऑर्डर लगा हुआ है उसमें, अच्छा 108 का लॉस है, कोई बात नहीं। टारगेट हो गया एल एन टी बाय, हाँ भारतीय एयरटेल आ रहा है 350, 600, 626, ठीक है ठीक है, 656, 500, 596, ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 541 का फर्स्ट टारगेट है ना, टारगेट 542 का लो लगा दिया इसने ना, एल एन टी को बाय अबव 130, हाँ 130 के ऊपर, 130 के ऊपर तो लेना ही था ना एल एन टी को। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, टारगेट फिर से टारगेट हिट, एसएल टेल क्या, हीरो मोटर, बढ़िया सर बढ़िया। इसको जो मैंने बोला है कि अगर ये 541 के नीचे, हाँ 543 के नीचे आएगा तो 538 तक का भी टारगेट ये दे सकता है, 538 तक का। अभी तो 600 का प्रॉफिट चल रहा है, आपका टारगेट डन हो गया इंडसइंड बैंक में, ठीक है सर बढ़िया है, इंडसइंड बैंक से निकल जाइए फिर 480। इंडसइंड बैंक है ना, इंडसइंड बैंक 1320 के नीचे तो मैंने सेल दिया है ना, अभी तो लेवल मेरा एक्टिवेट हुआ इंडसइंड बैंक में, 680 के अंदर प्रॉफिट चल रहा है। एससीएल टेक को मैंने शॉर्ट किया, आपने शॉर्ट किया एससीएल टेक को, ओके ओके ओके, एससीएल टेक, एससीएल टेक, एससीएल टेक 606, और हमें शॉर्ट करना था 597। लेवल तो कुछ ये 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो आपने देखा है मुन्ना जी उसके साथ बने रहिए उसके हिसाब से। और हमारा लेवल एक्टिवेट हो गया इंडसइंड बैंक में 1320 के नीचे, आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, उसको आने था। एक एचडीएफसी बैंक दिया था हमने सेल के लिए 1234 के नीचे, आईएनआर को सेल किया, आईएनआर पे तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने आईएनआर का भी ट्रेड ही नहीं लिया है, मैं क्या बोलूंगा अभी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या है इनमें शॉर्ट बना लें, मक्कन जी कह रहे हैं, और 14 पॉइंट, नहीं, मुझे पहले एचडीएफसी बैंक देखना, मैंने 1234 के नीचे सेल दिया हुआ है इसमें, रुक जाइए,
इसका लेवल हाँ एक्टिवेट हुआ है क्या? अभी एक्टिवेट 1234 1233, हम 5 पैसे से अभी तो 5 पैसे वहीं पे, अभी तो नहीं हुआ है, अब हो जाएगा मेरे ख्याल से, अब हो जाएगा। भारतीय एयरटेल कैसा चल रहा है इस पर फोकस, ऑर्डर लगा 350 क्वांटिटी भाई, तो नजर बना के रखिए, 600 का प्रॉफिट चल रहा है। कुछ प्रॉफिट तो जो मेरे यूट्यूब व्यूवर है उनको बुक करवा देता हूँ भारतीय एयरटेल में, है ना, कुछ बुक करवा लेता हूँ। हैवल्स सेल कर सकते हैं क्या? आपको हैवल्स सेल करना है, ओके, हैवल्स 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 का लेवल है सर हमारे पास जो मैंने दिए हुए वो 628 के नीचे का है, बिल्कुल ठीक है, लेवल पे है। इंडस बैंक फर्स्ट टारगेट डन, ओके, इंडसइंड बैंक का टारगेट डन हो गया ना, ओके प्रमोद जी, 1312, ओके बिल्कुल बिल्कुल, है ना, फर्स्ट टारगेट डन जी, सही है, इंडसइंड बैंक का पहला टारगेट डन हो गया, ओके चलिए, लेवल एक्टिवेट हो गया, टारगेट भी आ गया, प्रॉफिट भी हम लोग ने बुक कर लिया है। हैवल्स अच्छा हिट करके आया फिर नीचे, कोई बात नहीं सर, हाँ ये टारगेट डन हो गया, हमारा भी उधर काम हो गया, चलिए बढ़िया। चलिए बढ़िया, छह सौ का इधर तो चल ही रहा है प्रॉफिट, वेट करते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग 20 मिनट का हो गया, बाप रे बाप, 22-25 मिनट का ना, क्या कह रहे हैं जुबिलेंट फूड टेस्टिंग पेशेंस कर रहा है, 491 पे बाय किया स्टार, 5 लॉट 304, कल मैंने 4 बजे ट्रेड किया था आईनार में, अच्छा प्रॉफिट दे दिया, नहीं अच्छा, दीपांकर जी ने भी लिया था और 3.5 पैसे का लॉस बुक कर, वाह स्कूल के लिए निकल जाइए सुजय जी, कोलपाल क्या भागा, जी जी कोलपाल बहुत अच्छा गया है, क्या भागा नीचे, बहुत बढ़िया, अच्छा और क्या कहते हैं, स्ट्राइस फार्मा ना, स्ट्राइस फार्मा 600 से 300 के प्रॉफिट में आ गया हूं इसमें, कोई बात नहीं शिवा साहब, स्ट्राइड फार्मा से आपने एक कैंडल 491 पे बाय किया, अभी 506 चल रहा है स्ट्राइड फार्मा, तो प्रॉफिट बुक करिए ना, कर लिया ना, ओके ओके, बालकृष्ण को सेल करना 1091, 491 पे बाय किया 4505, ग्रेट मूवमेंट, ग्रेट प्रॉफिट बुक किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत 506 पे बुक कर लिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर एकदम, बालकृष्ण को 1091 के नीचे सेल करना है, ओके हाँ 1091 के नीचे ठीक है, सेल कर सकते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, अरे HDFC बैंक का ऑर्डर क्या हो गया, 35 पे चल रहा है, कोई बात नहीं, मन्नापुरम फाइनेंस में थोड़ा प्रॉफिट आया है, बढ़िया है कि L&T फाइनेंस में आया था, गोदरेज CP ने फिर SL उड़ा दिया क्यों लगे हैं उसके पीछे, क्यों लगे हैं उसके पीछे, ना मजा नहीं, साइडवेज हो रहा है निफ्टी, बिल्कुल सही है, अभी तो ओवरऑल 350 क्वांटिटी ऊपर कवर ऑर्डर में लगा हुआ है ना, और इसके नीचे मैंने 150 क्वांटिटी ब्रैकेट ऑर्डर में प्लेस किया, ये ऑर्डर अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, ये ट्रिगर हो जाएगा, आप लोग कह रहे हैं हो जाएगा, देखते हैं, और क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, टाटा स्टील सेल किया है हिम्मत करके, अच्छा जय बजरंगबली लिख रहे हैं हरजान जी बढ़िया है, टाटा स्टील थोड़ा रिस्की है सर, अगर ये ऊपर की साइड में क्लोज कर देगा ना किसी वजह से 478 के ऊपर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये लगता है सेल ऑर्डर दे देगा, ये कर देगा, 800 का प्रॉफिट चल रहा है, कर देगा
अच्छा एचडीएफसी बैंक सेल साइड एक्टिवेट हो गया। ओके पहले तो मेरा नजर इस पर है, चलो चलो 150 क्वांटिटी, हाँ ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस हो गया, प्लेस हो गया, ट्रिगर हो गया ऑर्डर। अब ब्रैकेट ऑर्डर में भी 150 क्वांटिटी हो गया। चलिए इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस है हमारा, एचडीएफसी बैंक का सेल साइड का एक्टिवेट हो गया। ओके तो इसमें से ये 200 क्वांटिटी का ना, 200 क्वांटिटी का मैं पहले प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इसमें से 200 क्वांटिटी का मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जो कवर ऑर्डर में है ना उसको मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। चल भाई हाँ 200 क्वांटिटी का ऑर्डर बुक हो जाएगा, या स्टॉप लॉस टेल कर दूँ, ये कुछ भी नहीं करने दे रहा है, कोई बात नहीं हो जाएगा, टाइम लग रहा था, नेट स्लो है, 542 ठीक है, 542 पे स्टॉप लॉस इसको ले आता हूँ, 542 रुपया 10 पैसे पर मॉडिफाई कर दिया। हाँ स्टॉप लॉस टेल कर लिया सर, 200 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस टेल कर लिया है कवर ऑर्डर में, 13 पॉइंट बुक कर लिया है आपने जुबिलेंट फूड में। बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया, सेल साइड एक्टिवेट हो गया ना एचडीएफसी में। चलिए हाँ सेल साइड एक्टिवेट हो गया, और लो लगाया है 1232 का, कोई बात नहीं, बूम हो गया जुबिलेंट फूड, गर्दा विकास। हाँ जुबिलेंट फूड अच्छा भागा, अच्छा भागा, पहले तो मैं भारतीय एयरटेल पे टिका हुआ हूँ नजर लगा के भाई, अच्छा हुआ वो 200 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो गया, ओवरऑल 700 का प्रॉफिट में हूँ, 700 के प्रॉफिट में हूँ, और ये जो 150 क्वांटिटी लगाया उसमें 100 का लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। टाटा मोटर्स सेल किया है 176 पे, ओके ठीक है सर, टाटा मोटर्स तो आपने अच्छा जगह पे सेल किया है, बढ़िया है, ब्रैकेट ऑर्डर का स्टॉप लॉस मेरा इसी इस कैंडल के ऊपर में रख दिया मैंने। क्या लिखा है सर, टाइम फर्स्ट इज टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल, हाँ हाँ हैप्पी वीकेंड। टाटा मोटर टारगेट भी आ रहा है जगदीश जी, टाटा मोटर्स नीचे देखिए बहुत तेजी से टारगेट भी आ रहा है जगदीश जी। एसएल क्या होगा, SL 176 में ना सेल किया आपने, तो SL 178 177.50, क्या करे अब मार्केट गिर जाएगा, क्या गिरेगा, टाटा स्टील, टाटा स्टील, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना, क्या कह रहे हैं, 100 DA में तोड़ दिया, ओके धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमको है बताना, तोड़ दिया तो क्लोज नहीं कर रहा है ना उसके नीचे, सेल टेक को कहाँ तक ले जा सकते हैं नीचे की तरफ में, मैं कहाँ ले जाऊंगा उसको नीचे की तरफ में सर, उसकी मर्जी। छह सौ तक
600 तक आ सकता है। जब तक निफ्टी जो है ना, निफ्टी 12,100 को ब्रेक नहीं करेगा ना, कमजोर नहीं होगा, और 12,100 के बाद वो 12,080-85 के पास जाके बाउंस कर जाएगा। धीरे धीरे से जिंदगी में, यहाँ गाना में ऑप्शन चेन को देखकर गाता हूं, लेकिन ये धोखा देता है। अभिषेक जी देता ही गाना ऑप्शन। जब से देखा मैंने तुझको, मेरे दिल को कहीं आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे तुम पे कोई नाम नहीं, आ जा जाना कैसा शर्माना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, आ जा भाई मेरे एयरटेल, आ जा आ जा आ जा आ जा, कम ऑन इंडिया दिखा दो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, गिरेगा 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 गिरेगा, क्या लगता है, क्या लगता है, गिरेगा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? मार्केट 12,100 तोड़ेगा तो 12,080, लेकिन वो वहां से बाउंस कर सकता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं, ये कर ही रहा, 12,100 का ही लेवल है तो, है ना? देखिए उसी लेवल को टेस्ट कर गया ना 12,100, फिर साइडवेज हो गया, यहाँ पे बताया था ना कि यहां से फिर ये गिर के नीचे आ गया, देखिए फिर हो गया, फिर अब यहां से ऊपर, फिर नीचे, साइडवेज चलता रहेगा ये ऐसी। आज फ्राइडे है ना, आज आज 1:30 बजे के बाद करेगा काम, 1:30 बजे के बाद। आईसीआईसीआई बैंक सेल लेवल है करेंट लेवल पे, ओके। आईसीआईसीआई बैंक मैंने बोला था 500 कितना के नीचे, 26 के नीचे ना आईसीआईसीआई बैंक। ला 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 ला, 536 के नीचे है ना, 536 जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, कोई बात नहीं रमेश सर, कोई बात नहीं, आप आ गए, यही मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, मैं धन्य हुआ। हम लोग यहाँ पे ना, हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्या ये भारतीय एयरटेल गिरेगा, आप क्या कहते हैं? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्या लगता है भारतीय एयरटेल गिरेगा? हम लोगों का यही यक्ष प्रश्न है। गर्दा उड़ उड़ गया। किसका गर्दा उड़ा दिया सर? रोशन जी, जुगल जी, किसका गर्दा उड़ा दिया? गिरना पड़ेगा, रोशन जी कह रहे गिरे, जाने के लिए मार्केट का साथ बने रही है, अच्छा जानने के लिए मार्केट के साथ बने रही है, हाँ बिल्कुल। जुगल जी किसका गर्दा उड़ा दिया आपने बताइए? आसाम के लोग भी, अच्छा आसाम के लोग भी बिहार का लैंग्वेज पकड़ रहे हैं, गर्दा, आसाम के लोग भी बिहार। वहां भी आपने सिखा दिया है ना, वहां भी आपको लोगों को सिखा देना है, गर्दा मतलब क्या था, गिर जाएगा नहीं, सेंचुरी टेक्सटाइल बाउंस हो रहा है, सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत ऊपर भाग गया, उसको हम छोड़ दें, हमने देखा था सेंचुरी टेक्सटाइल को बहुत ऊपर निकल गया, 522 के ऊपर भाग गया था वो, देखते देखते 622 के ऊपर, जो कि 30-25 हो गया, अभी यहां से बाउंस लेगा तो यहां पर से थोड़ा रिस्की ट्रेड बनता है।
हाँ तोड़ दिया, गर्दा 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 गर्दा। वाह दीपक जी, जुगल जी, आप तो सर गजब हो गया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्या रमेश सर कुछ बोल नहीं रहे सर? आईसीआईसीआई आईटीसी एनआईसी बैंक को अच्छा ओके ठीक है। ला 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 ला, बोला था सर गिरेगा। अच्छा, बोला था गिरेगा। बढ़िया बढ़िया। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में, ट्रेड को ना, ट्रेड को हेडेक में लेके ट्रेड करने का नहीं है, एंजॉय करिए, है ना। ट्रेड को क्या है, जुगल कुमार जी क्या है, ट्रेड को कभी भी हेडेक लेके नहीं करने का, एंजॉय करिए अपने ट्रेड को, आप एंजॉय करिए। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है, वो चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है ना, वो चलता रहेगा। पर हेडेक में ट्रेड करेंगे ना तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। हाँ जी जी सर जी, 531, जी, 531 तो मैंने बोला था ना, भारतीय एयरटेल, नहीं 538 बोला था मैंने, 538 पहले बोला था, फिर बोला था मैंने 538 के बाद 535 आ जाता, लेकिन पहले 538 तो आ जाए, पहले 538 आ जाए तो अपना काम तो हो जाना है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सवाल ये है कि कितने लोगों को अब अपने इमोशन पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया और कितने लोग कर चुके हैं। सवाल टिपिकल है, सवाल टिपिकल है, कितने लोग इमोशन कंट्रोल कर चुके हैं या स्टार्ट हुआ है। मानस जी कंट्रोल कर चुके हैं, ओके। सूबेदार साहब भी कर चुके, स्टार्ट हो गया ललित जी का, बढ़िया है बढ़िया है। तीन व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार चार चार, मनीष जी का स्टार्ट हो गया, ओके। 85% प्रमोद जी निकल लिया, ओके ओके। अरे अरे मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, मेरा भी, अरे 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 अरे, मैं भी कंट्रोल कर लेता हूँ। बढ़िया 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 बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, दिस इज पार्ट है, मनोज जी ने नहीं किया है। स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, ओके। कभी कभी नहीं होता, ये कभी कभी नहीं होता ना, ये इसका मतलब नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया। कभी कभी वाला कब नहीं होगा, स्टिल नॉट एबल टू कंट्रोल, आई हैव टू वर्क, ओके। वर्क करना है उसके ऊपर, कभी कभी भूल जाते, भूलना, ये भूलना वाला बात नहीं है, भूल गए खेल खत्म, भूल गए आप खेल खत्म हो जाएगा आपका, यकीन जानिए। आज हुआ है कंट्रोल, अच्छा। उमाकांत जी कह रहे हैं मच बेटर, इमरान जी का है बहुत बढ़िया, पहले से काफी इंप्रूवमेंट है, बहुत बहुत 80% ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल रहता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, बढ़िया बढ़िया संजीव जी, ये हुआ इमोशन कंट्रोल। इमोशन देखिए, ये जो ई वर्ड है ना, ध्यान से देखिए, ये ई वर्ड है ना, ये ओरो फार्मा में दवाई आती है उसकी, बैठिए अभी कोई साइडवेज मार्केट में दिमाग नहीं लगाना, बैठिए। ई जो वर्ड है ना, ई वर्ड, ई से अर्निंग, ई से इमोशन, ई से एनिमी, तीन वर्ड, ये ई वर्ड जो है ना, ये ई वर्ड, इसी से पैसा आता है अर्निंग, इसी से इमोशन कंट्रोल होगा, और इसी, यही दुश्मन है। सबसे पहले इस दुश्मन को कंट्रोल करिए, इमोशन, तब जाके स्टार्ट होगा अर्निंग, ठीक है। हाँ, और ई फॉर एनर्जी, ये भी बेस्ट है आपका मानस जी, ई पे इंट भी होता है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या गजब बात है, ई से इंटेलिजेंट, गजब, ई से इंटेलिजेंट, उल्टा सीधा इंटेलिजेंट आई से होता है, बुड़बक बना रहे मुझे आप। ई से इंटेलिजेंट, ये सब ना मुझे बुड़बक से बनाते हैं, इंटेलिजेंट आई से ना होता है सर। हाँ, ई से इंटेलिजेंट,
मेरे दो ट्रेड के बाद हाथ नहीं डाला गुरु जी। हाँ बहुत बढ़िया, दो प्रॉफिट ले लिया, बात बैठिए मनोज जी, अपना इमोशन कंट्रोल करिए, है ना, इमोशन कंट्रोल करिए, नहीं तो एवरी टाइम यू विल लॉस। आपको इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा मनोज जी, मतलब अपने कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं नहीं, मैं आपके घर में बैठ के ट्रेड नहीं कर सकता ना आपके साथ, कि आपका सिस्टम में जाके बंद कर दूंगा, आपका ट्रेड में काट दूंगा, नहीं कर सकता ना। अगर लॉस में जा रहा है तो आपका ट्रेड में काट दूंगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, आपको खुद से करना पड़ेगा ना, ये पार्ट ऑफ इमोशन कंट्रोल है ना। ई को कंट्रोल नहीं किया तो मोशन में जाएंगे, बिल्कुल सही कहा है ना, तो बहुत खतरनाक है ये ई, तो इससे मनोज जी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा दादा, ये बहुत खतरनाक चीज है। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, एयरटेल एयरटेल नीचे आओ। हाँ ना चलवे दादा, चलवे ना, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ दादी अम्मा दादी। हम लोग को तो यूट्यूब व्यूवर सब पागल बोलता होगा, नहीं हम लोग को तो यूट्यूब व्यूवर ना, हमारे जो यूट्यूब व्यूवर हमें पागल बोलता होगा, ये पागल हो गया, पागल या तो पागल है पहले से या तो हो गया है, और इसके साथ साथ जो इसका सब बैठा हुआ है ना, वो लोग महापागल है। वो कहते जरूर कहते होंगे सर, गोइंग टू हार, निकल जाइए गजेंद्र जी। हाँ ये ट्रेड नहीं मस्ती करता है, सही कहा, टाटा मोटर्स को भी नीचे आएगा सर, ये टाटा मोटर्स तो ठीक है सर, ठीक है नीचे आएगा, कोई बात नहीं, वेट करिए, मैं देख रहा हूँ चार्ट, मेरा नजर है सिस्टम पे, कहने वाले कहते रहेंगे, इस पागलपन का अनुभव उनको नहीं है, सही कहा। और मैं हेडेक लेके ट्रेड नहीं करता, ये है ना, मैं हेडेक नहीं, एचडीएफसी बाउंस कर रहा है, ओके एचडीएफसी बाउंस कर गया, इसकी तो मैं किधर गया, इसकी तो हाँ बाउंस तो कर रहा है सर, पैटर्न भी बाउंस वाला ही है, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर कैन बी एग्जिट, कैन बी एग्जिट, है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सेफ ट्रेडर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न इसका बाउंस का है। हम लोग मस्ती करते रहते हैं काम के टाइम में, इसका मतलब ये थोड़ी कि काम पे ध्यान नहीं है कि नहीं, हेडेक लेके काम नहीं करने का, नहीं तो एनी टाइम लॉस होगा दादा, एनी टाइम लॉस। गुस्सा जरा हंस के दिखाओ दादी अम्मा मान जाओ। आईसीसी जाने दीजिए दीपक जी, हम तुमसे जुदा हो के, मस्ती तभी तो हो सकती है जब इमोशन कंट्रोल में, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पार्ट ऑफ शोएब अख्तर का शेयर होंगे एचडीएफसी में, है शोएब अख्तर के शेयर होंगे एचडीएफसी में, क्या कह रहे हैं सर, शोएब अख्तर के शेयर होंगे एचडीएफसी में, तभी बाउंस पर बाउंस आ रहा है। अच्छा, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। अरे कहाँ गया मेरा, वो एक और ट्रेड है ना हम लोगों का, टाटा स्टील, ओ है तो 262 रुपया इधर। दादी अम्मा मान जाओ, डॉक्टर रेड्डी ना छोड़ दिया, मैंने उसी टाइम देखा था ना डॉक्टर रेड्डी, मैंने मना कर दिया ना फिर, कि 80 के ऊपर जाए तो बात बने, छोड़ दिया ना उसको मैंने। जगदीश जी देखिए आपका आ रहा है टाटा मोटर नीचे, सर जी मेरे दो ट्रेड प्लेस किए 1 घंटे से, देखो इमोशन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बढ़िया बढ़िया संजीव जी, कल जो हुआ मेरे से तब से मैं एग्रेसिव ट्रेडर बन गया, अरे तब से मैं एग्रेसिव ट्रेडर बन गया,
कल मानस जी ने जानते क्या किया था, मानस जी ने मुझे 4 बजे कॉल किया था, मैं उस वक्त आईएनआर का ट्रेड लगा रहा था 4 बजे, कल मैंने 4 बजे आईएनआर का ट्रेड मारा, ठीक है, जिसमें मुझे वही 900 रुपये आए थे। तो उस वक्त मानस जी ने कॉल किया, कहते हैं सर ऑप्शन में ना, ऑप्शन में मुझे SBI लेना। मैंने कहा एक तो 4 बज रहे, ऊपर से ऑप्शन में SBI, ऑप्शन SBI ही क्यों लेना। जब इनको समझाया ऑप्शन का हिसाब किताब ना, तब कहते अरे बाप रे बाप, बहुत खतरा है। ये बोल रहे थे नेक्स्ट डे के लिए लूंगा SBI में। मैंने कहा एक तो SBI, एक तो ऑप्शन, ऊपर से SBI, हाँ दिमाग जगह पे नहीं है क्या। जब उस ऑप्शन का प्रॉफिट लॉस इनको समझाया तो कहते हैं नहीं नहीं सर बहुत रिस्की है। तब तो जगदीश जी बोलिए ना रहे, जगदीश जी आपका आ रहा है टाटा मोटर्स नीचे, क्यों गुस्सा के बैठ गए। जगदीश जी लिखे सर जी ICICI प्रूफ में पोजिशनल का टारगेट बताया, क्या हुआ, बैठे रहिए ICICI प्रूफ को, अभी एकदम छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए लेके। अभी फिलहाल लगता है कमोडिटी की तरह इक्विटी भी 11 बजे तक चालू रखवा ही देंगे। ना ना ना, बेकार हो जाएगा सर, 11 बजे रात तक कम इक्विटी करेंगे बक, मजा नहीं आएगा फिर सर, मजा नहीं आएगा। दादी अम्मा नानी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा नानी। सही है, संदीप जी ने भेजा कि कोरोना वायरस पे मुझे एक मैसेज आया, अरे इधर भारती एयरटेल पे भी नजर रखना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर चल रहा है कोरोना वायरस भारतीय पत्नियों में सदियों से है, चीन में तो अभी अभी आया पहला। सुनो जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा झाड़ू पोछा करो ना, ठीक है, ये थोड़े से गेहूं कोठी में भरने हैं, ये काम करो ना, ठीक है, तीसरा मेरा एक काम करो ना, ये सैंडल ठीक करा लाओ, चौथा है ऐसे ना जाने कितना कोरोना वायरस उनमें पहले से मौजूद है, जिनमें सबसे खतरनाक है चौथा नंबर, ए जी आपका बैंक बैलेंस मेरे नाम करो ना, गर्दा। अच्छा हाँ सर आता हूँ, एयरटेल में बना रहूंगा जब तक आप बने। हाँ मैं बना हुआ हूँ इसमें, एयरटेल बैठा हूँ, मार्केट खेल खेल रहा है, मैं बैठा हूँ, हम लोग क्या टेंशन नहीं लेना, बैठे रहेंगे, अभी वेट करते हैं हम लोग। चलो भाई चलो चलो, नीचे आ जा भाई मेरे, आ जा, अभी समय हो गया है 11:11, हाँ अभी तो फंसा के रखा है 760, आ रहा 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 आ रहा, चलो आ जा आ जा आ जा, बंद कर देता हूँ। टाटा स्टील में यही ऑर्डर है, देख रहे ना 700 का इसमें लॉस दिखा रहा है, और भारतीय एयरटेल में जो प्रॉफिट है 700 का चल रहा है, तो अभी यही दो ऑर्डर लगा हुआ रहेगा, साइडवेज मार्केट है, सेशन क्लोज कर देता हूँ अभी, अब कुछ नहीं करे, 11 बज गया ना, सेशन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और यही दो ट्रेड है, जो भी होगा दिखा दूंगा। चलिए सर क्लोज करता हूँ सेशन, एक ही जगह पे मार्केट खड़ा है, क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:17:52, अभी आप लाइव सेशन देख रहे थे, तो देखिए लाइव सेशन क्लोज कर दिया है, और अब देखिए टाटा स्टील ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ में, 800 का प्रॉफिट हो रहा है, 250 क्वांटिटी को सेल किया हुआ है, तो ठीक ठाक आ रहा है नीचे की साइड में, 470-471 तक आ सकता है ये आराम से, और इसके नीचे अगर ये आता है तो और भी ज़्यादा विध्वंस देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील 470 के नीचे अगर आता है तो एक और विध्वंस यानी नीचे के साइड के लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे और तेजी के साथ, तो वेट करेंगे हम लोग टाटा स्टील में। और दूसरा जो ट्रेड है हमारा वो भारतीय एयरटेल में है दोस्तों, भारतीय एयरटेल में, इसमें भी 800 का प्रॉफिट आ रहा है, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 800 प्लस इधर 22, तो कुल मिला के ये भी मेरा दो ट्रेड ऑन है, तो देखता हूँ दोनों का क्या रिजल्ट आता है, मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो दोस्तों टाटा स्टील में बना हुआ हूँ 875 के प्रॉफिट के साथ, समय 11:21:22 अब हो गया, और
बिल्कुल बना हुआ, देखते हैं 925 हो रहा है, 470 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो बहुत ही तेजी से डाउनफॉल देखने को मिलेगा फिर तो। 470 के पास एक स्टॉप लॉस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको अगर ये ब्रेक करता है तो ही डाउनफॉल आएगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस बैक भी ले सकता है। तो क्लोजिंग चाहिए उसके नीचे, ज़्यादा अच्छा तरीके से फिर ये बिहेव करेगा सेल साइड में और बढ़िया। अभी फिलहाल 900 का, 925 का प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है, 962 हो गया, 975, 937। और इधर दोस्तों भारतीय एयरटेल में भी जो पोजीशन है हमारा 800 का, इसमें भी मैं बना हुआ हूँ। तो चलिए वेट करते हैं क्या रिजल्ट आता है टाटा स्टील और भारतीय एयरटेल में। समय हो रहा है दोस्तों 11:25:40। एयरटेल तो ठीक आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अब सपोर्ट है 541 के आसपास का, उसको ब्रेक कर दिए, राउंड फिगर में 540 मान सकते हैं। और इधर टाटा स्टील जो है ठीक है, टाटा स्टील में 987, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 के नीचे भी आ गया, 1075 का प्रॉफिट। स्टॉप लॉस को बिल्कुल इसके हाई पे रख देता हूँ फिलहाल और मैं वेट करूँगा फिलहाल। 1025 का प्रॉफिट चल रहा है मुझे टाटा स्टील में, अगर इसको ब्रेक करता है 470 तो तेज़ी से नीचे की साइड में जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और वेट करेंगे। देखिए पेशेंस हेडेक लेके ट्रेड करने से नहीं होता, आपने देखा होगा लाइव ट्रेड में हम लोग कितनी मतलब इंजॉय करते हुए ट्रेड करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेता है हम लोग कभी। टेंशन अगर आप लेंगे ना तो इसका मतलब ये नहीं, टेंशन लेने के बाद ही ट्रेड होता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तभी हम ट्रेडर बनते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि माथे पे मार हेडेक लेके बैठे हैं और बहुत बड़ा ट्रेडर बन रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। इंजॉय करिए अपने ट्रेड को और उसका रिजल्ट आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ और ट्रेड पे पूरा नज़र रखते हुए, क्योंकि सारी तैयारी तो हम लोग एक दिन पहले कर चुके होते हैं ना, सारा चीज़ हम लोग एक दिन पहले ही कर चुके होते हैं, फिर कोई टेंशन क्यों लेना हमें ये बताइए, कोई टेंशन नहीं लेना, क्यों लेंगे टेंशन जब हमने सारा लेवल निकाल लिए, स्टॉक को नज़र में रखा हुआ है। देखिए इसमें भी भारतीय एयरटेल ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, 540 मान सकते हैं या 541 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर ये ब्रेक करेगा नीचे 538 तक जा सकता है, है ना। देखिए नीचे ब्रेक होता हुआ तो ये 538 के पास मैंने एक टारगेट रखा हुआ है ब्रैकेट ऑर्डर वाला, तो ये अचीव हो सकता है। चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो इसमें जो है ना 300 क्वांटिटी है, 150 ब्रैकेट ऑर्डर में है और 150 कवर ऑर्डर में है। आपने देखा था 150 क्वांटिटी बुक कर लिया था प्रॉफिट, 200 क्वांटिटी सॉरी 200 का प्रॉफिट बुक किया था, बाकी का मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है तो रखा हुआ ये स्टॉप लॉस को, सारा नीचे ले आता हूँ कोई बात नहीं, तो बुक भी कर भी सकता हूँ। अभी देखिए 1000 का प्रॉफिट आ रहा था, 900 का प्रॉफिट बचा है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मैंने आपको बताया 541 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको ये अगर ब्रेक कर दे एक बार 540 की तरफ नीचे की साइड में ना, बहुत तेज डाउनफॉल करेगा, 538 तक भी जा सकता है। और इधर जो हमारा टाटा स्टील है, अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो देखिए यहाँ से ये भी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है 1037 का प्रॉफिट से 950 में, तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बैठा हुआ है और देखते हैं क्या मार्केट रिजल्ट दिखा रहा है। मार्केट अपना कहीं ना कहीं प्रीवियस लो को टेस्ट कर रहा है, कल वाला जो लो था ना 12084 उसको वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए यहाँ 12090 है, तो यहाँ जो लेवल है ना, ये लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है मे भी, अगर इसको ब्रेक नहीं करे तो, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो बाउंस करेगा वहाँ से अपसाइड में बहुत तेज से। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। भारतीय एयरटेल फिलहाल 541 के पास सपोर्ट लेता हुआ 850 का प्रॉफिट, और इधर टाटा स्टील में 900 का 1000 का प्रॉफिट, तो वेट करते हैं फिलहाल, अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। भारतीय एयरटेल दोस्तों देखिए ब्रेक करने के काफ़ी पुरजोर कोशिश लगा रहा है 541 रुपये को, हालांकि एक बार ब्रेक किया लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, उसके नीचे क्लोज करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, भारतीय एयरटेल एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट में चलता हुआ मेरी साइड में, और ब्रेक करे तो 538 तक इसको आना चाहिए नीचे, जो मैंने टारगेट भी 150 पॉइंट का लगा कर रखा है नीचे की साइड में, तो 1200-1300 प्रॉफिट इसमें मुझे भारतीय एयरटेल में मिल सकता है, वेट करते हैं। हाँ ब्रेक कर रहा है ऑलरेडी प्रॉफिट होता हुआ, ब्रेक कर गया जबरदस्त प्रॉफिट, चलिए 974-972 इस लेवल को ब्रेक करता हुआ 964 और इधर 180, टोटल 1000 का प्रॉफिट तो इसमें भी है, वेट करते हैं हम लोग क्या इसमें आता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ब्रेक नहीं कर पा रहा इसको,
अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, इधर देखें जरा टाटा स्टील का क्या हाल है। टाटा स्टील यहाँ पे, टाटा स्टील जी ठीक है, टाटा स्टील भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 975 का प्रॉफिट है। तो पॉज करता हूँ अभी रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ब्रेक कर दिया है 541 रुपये को नीचे की तरफ में, 1000 का प्रॉफिट, 1200 का प्रॉफिट चलता हुआ। समय हो रहा है 11:42, 43 सेकेंड, 40 सेकेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग। तो 1200 का प्रॉफिट चलता हुआ, 990,000 का ऊपर है और नीचे 200 का, 1200 का प्रॉफिट। देखते हैं धीरे धीरे ये कांड 538 तक आता है या नहीं। यहाँ पे आएगा तो ये 150 क्वांटिटी जो मैंने ब्रैकेट ऑर्डर में लिया उसका तो अपने आप टारगेट हिट हो जाएगा। बाकी कवर ऑर्डर का मैं सब लोग सबका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेता हूँ, अब कोई फायदा नहीं ऊपर रख के, अब इसको नीचे ले आता हूँ, है ना, इसको मैं नीचे ले आया। चलिए तो 1300 का प्रॉफिट चलता हुआ लगभग। और इधर जो हमारा टाटा स्टील है तो उसमें भी बना हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टाटा स्टील में भी ठीक ठाक है, स्टॉप लॉस मेंटेन है। टाटा स्टील में 700 का प्रॉफिट उसमें भी चल रहा है, 800 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 470 का इसको ब्रेक करेगा तो डाउनफॉल होगा, तो मैं बना हूँ स्टॉप लॉस, अगर हिट भी होता है तो प्रॉफिट में निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं होगा। तब रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छे तरीके से आता हुआ कंटिन्यू। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, आप लोग बोर भी हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। और समय देखिए 300 का प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है, मैं स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ है दोस्तों, तो मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करके छोड़ देता हूँ। और स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं हिट होगा तो अच्छा खासा 1000 रुपये के प्रॉफिट में मैं बना हुआ, यानी 1000 लीजिए, स्टॉप लॉस मैं नीचे कर देता हूँ। एक्चुअली सब अच्छी बात यह है कि स्टॉप लॉस टेल करके मैं छोड़ देता हूँ और बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, वीडियो बंद कर देता हूँ। एक्चुअली इतनी बड़ी वीडियो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। और सप्ताह का वीकेंड है तो इन्जॉय करिए वीकेंड को, और चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सारी चीज़ें। और चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, और इधर देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन है, टेंशन नहीं लेना है, और उधर टाटा स्टील में भी मेंटेन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग।